आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कुंभ मेले में भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वर्षों पुराने आस्था के कुंभ में भ्रष्टाचार हुए, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले को कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, बेहद अफसोस के साथ उठाया था कि उस आस्था के कुंभ में जहां पूरे संसार के लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें भ्रष्टाचार की डुबकी लगा ली। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकार बनने के बाद से लेकर अभी तक कुंभ में भ्रष्टाचार की डुबकी लगा रही है। आज मैंने सदन के माध्यम से सदन में तथ्यों और प्रमाणों के साथ इस बात को रखा। वहां पर पुराने सामानों को लगाकर नए सामानों का भुगतान किया गया है। एक अधिकारी की बीबी जो मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं, अधिकारी की बीबी और अधिकारी के बेटे को कुंभ मेले के कई सौ करोड़ के ठेके दिए गए थे, जिनमें 80% से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। इस अज्ञानी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की अज्ञानी सरकार ने एयरबेस साइट से 38 करोड़ का फ्लाईओवर बनाया। वो 38 करोड़ का फ्लाईओवर चालू होने के पहले अपने नियमों और कानूनों को पूरा नहीं करता था। उसको जो देश की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं उस पर रोक लगा दी, रोक नहीं लगाई, अब कह दिया गया है कि उस 38 करोड़ से निर्मित फ्लाईओवर को गिरा दिया जाए। ये सरकार, भाषण करने वाली, झूठ बोलने वाली, दंगा फैलाने वाली, जुमला करने वाली सरकार, इसको इतनी जानकारी नहीं है अफसरों को, चलने वाली सरकार को, कि कौन से फ्लाईओवर, कौन सी सड़कें किस नियम के अंतर्गत बनती हैं। अब उस फ्लाईओवर गिराने की अनुमति हो गई है। भ्रष्टाचार का खेल इस कदर हावी था वहां पर, या इस कदर हावी है वहां पर, कि मुख्यमंत्री की ड्यूटी में तैनात एक जेई वहां से भाग आता है। मुख्यमंत्री की ड्यूटी से तैनाती लगी थी कि मेरा कमीशन मर जाएगा। उसके सहयोगी थे उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि ये मुख्यमंत्री के ड्यूटी में तैनात है जेई, वहां पर जाकर अपने कमीशन उसने गया है, उसने लिख के उस विभाग के पीओडी जेई दे दिया है। वहां पर जेई से लेकर कमिश्नर तक, वहां तैनात अधिकारी से लेकर विभागीय मंत्रियों तक कुंभ में भ्रष्टाचार की डुबकी लगा रहे हैं, और उनके मंत्री किस मुंह से वहां पाप धोने जाते हैं। मुझे लगता है जब अभी तक बात लोगों से छन कराती थी तो लगता था कि बातें कहीं न कहीं रानी से प्रेरित हैं, लेकिन आज इस बात का प्रमाण हो गया। जिस तरह से कुंभ में लूट खसोट हुई है, जिस तरह से कुंभ में मेले के आयोजन के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, इनके मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट उस भ्रष्टाचार के पाप को धोने कुंभ गए थे, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार था मुझे लगता है अगर आज से शुरू कर दें, आज से पैसे शुरू कर दें, आज से डुबकी लगाना शुरू कर दें, लगातार डुबकी लगाते रहें, शायद कुछ पाप कम हो जाएंगे, अन्यथा ये पाप उनका धुलने वाला नहीं है।